आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, वो चीज़ हम लोग देख चुके। अब थोड़ा सा बच्चों हम लोग देखेंगे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या पढ़ेंगे? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। नज़र रखेंगे बोर्ड पर, 100% की गारंटी है, क्योंकि मेरा नाम क्या है बच्चों? अभय शांडिल्य। और आप अपने इस चैनल से जुड़िए, इसका बेनिफिट डायरेक्ट आपको होगा, अपने दोस्तों को दिखाइए, उनको भी होगा और आप लोग के साथ साथ मेरा भी कल्याण होगा। ठीक है बच्चों, तो आप भी लिखिए ओसवाल्ड, ओ एस टी डब्ल्यू ए एल, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। आज बच्चों हम लोग देखेंगे ओसवाल्ड के डाइल्यूशन का नियम, है ना। बच्चों हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। जैसे मान लिया कोई बिक एसिड को ले लीजिए, जैसे है ना एच एच ए, है ना, क्या लेंगे एच ए एच ए, और ए है इक्विलिब्रियम, है ना। तो यहाँ हो जाएगा इसका डिसोसिएशन होगा एच प्लस ए माइनस, है ना। कहता है कि अगर इफ टाइम जो है 0 सेकेंड लेते हैं, ये 1 मोल है, ये 0 है, ये 0 है ना बच्चों। आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर टी सेकेंड, है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ए हो जाएगा अल्फा और ए हो जाएगा अल्फा। और जब एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, तो यही हम लोग कर देते हैं 1 माइनस अल्फा सी, यहाँ हो जाएगा सी अल्फा, है ना। अब हम लोग लिखते हैं, चूंकि एसिड है तो एसिड के केस में के ए कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट है सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय, है ना, सी 1 माइनस अल्फा, है ना। अब बच्चों गौर से देखिएगा, सी से सी कैंसिल हो गया, के ए बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। एक फॉर्मूला तो ये भी हो गया बच्चों, है ना। अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे, आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बहुत ही आसान है, इस पर गौर करें, है ना। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, कहता है कि बिक इलेक्ट्रोलाइट, और बिक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिसका डिसोसिएशन पार्शियली हो, माने कुछ हो और कुछ नहीं हो, है ना। तो कहता है बिक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये जो डिनोमिनेटर में अल्फा है वो रिमूव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख दीजिए इन केस, है ना, इन केस ऑफ बिक इलेक्ट्रोलाइट, बिक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, अल्फा इज रिमूव्ड फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनो मिनेटर। अब बच्चों हम लोग करते हैं के ए बराबर अल्फा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई 1, है ना, क्योंकि ए रिमूव्ड हो गया, यानी के ए बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर सी, इसलिए अल्फा स्क्वायर क्या होगा बच्चों, के ए
डिवाइडेड बाई सी, इसलिए अल्फा बराबर क्या होगा, के ए बटे सी का स्क्वायर रूट। यही है बच्चों ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या है? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड का कहना था द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दैट इज सेम। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट किया जाए, इसके बाद हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। अब बच्चों हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है, आपको भी आसान लगेगा, बोर्ड पर नजर रखेंगे 100% की गारंटी है। और रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा, हर चीज आपको समझ में आएगा। रेगुलर बीच बीच में नहीं देखिएगा तो हिंदी का किताब तो है नहीं कि आपको हर चीज कथा की तरह समझ में आएगा। ठीक है, प्रयास करते रहिए, सफलता तो मिलेगा ही। ईश्वर उसी को मदद करते हैं जो अपना मदद खुद करता है। आप मेहनत करने लगिएगा, ईश्वर को लगेगा कि ये बच्चा बहुत ही मेहनत कर रहा है, इसको इसका फल मिलना चाहिए, और तुरंत आपको इंजीनियरिंग या जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल होगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा बच्चों, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the concentration of electrolytic solution। ये तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ से देख लिया है ना। अब थोड़ा सा बच्चों और देख लेते हैं। अल्फा बराबर अभी तुरंत हम लोग देखे है ना, के ए डिवाइडेड बाई सी का अंडर रूट है ना। चूंकि के ए कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के चूंकि प्रोपोर्शनल का टेक करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा इनवर्सली वन बाई सी कांडर रूट। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा और देख लिया जाए बच्चों है ना, थोड़ा सा और देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा। अल्फा बराबर के ए डिवाइडेड बाई सी, और सी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड इन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, है ना। नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई, यानी सी बराबर एन बाई भी होता है ना। नंबर ऑफ मोल क्या है, रिएक्टेंट जिसका डिसोसिएशन होता है, यानी यहाँ हम लोग बैठाते हैं वन बाई भी, है ना। यानी अल्फा बराबर हो जाएगा के ए इंटू भी। अगर इसको करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, चूंकि देखिए दोनों सेम है, ऐसा नहीं कि समझिए दोनों एक ही चीज है ना, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। ये हो जाएगा रूट वन रूट भी, यानी वॉल्यूम का स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, है ना। तो एक और हम लोग लिख सकते हैं कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। बच्चों इसको भी लिख लिया जाए,
द डिग्री, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना बच्चों, ऑफ ए बिग बिग इलेक्ट्रो लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम है ना। यानी ए लिखा जाए बच्चों दो दैट इज दोनों बोथ आर सेम है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर होगा तो कंसेंट्रेशन का होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ए क्या होगा बच्चों वॉल्यूम है ना। इस प्रकार से यही है डाइल्यूशन, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है बच्चों, इसको नोट किया जाए। तो बच्चों समझ में आया ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एक बार फिर से देख लिया जाए बच्चों है ना। क्योंकि यहाँ हम लोग कैलकुलेशन करके देख चुके हैं, डिफिनेशन भी है ना। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमेशा याद रखिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर इनवर्सली है तो कंसेंट्रेशन है ना। डायरेक्टली द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों एक ही चीज है ना। दोनों में से किसी एक को भी आप लिख सकते हैं, अन्य तो दोनों को लिखिएगा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।